गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज श्रद्धा। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 8:30। मैं उठ चुकी हूँ। एक्चुअली उठ तो मैं 6 बजे से ही रखी हूँ, बिकॉज सुबह से ही पता नहीं किस चीज़ पे डिबेट चल रहा था, किस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कुछ ना कुछ चल ही रहा था सुबह से, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई। घर में चल रही है सफाई, अभी आंटी सफाई कर रही है और सब अपने अपने काम पे गए हुए हैं, सिर्फ मैं अकेली हूँ और आंटी आ रखी है हेल्प करने के लिए। मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ, चाय पीऊँगी। अभी मुझे जाना है थोड़ी देर बाद काठमांडू बैक फ्लाइट करने, जिसमें मैं आपको लेके चलूँगी साथ में। बस अभी टीवी चलाया था थोड़ा सा, मैंने सोचा न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ और उसके बाद उठूँगी, नहाऊँगी और तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो बैग वगैरह पैक कर लिया है मैंने, आज काठमांडू बैक करनी है तो थोड़ा कम ही सामान लेके जाऊँगी, बिकॉज डे रिटर्न है। अब मैं जा रही हूँ अपनी यूनिफॉर्म आयरन करने के लिए और सारा काम करते करते 9:30 हो गए हैं, तो मैं जल्दी से यूनिफॉर्म आयन करती हूँ और उसके बाद तैयार होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। गाइज मैं हूँ पूरी तरीके से तैयार और जा रही हूँ फ्लाइट पे काठमांडू बैक करने, और ड्राइवर साहब भी आने वाले हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। थोड़ा बोर बोर लग रहा है, घर में कोई भी नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है किससे बात करूँ क्या करूँ, बहुत बोर लग रहा है। तो बस मैं अपना खाना वगैरह पैक कर रही हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। गाइज खाने में मैंने रख लिया है अपने लिए अनार और ये सैलेड है नीचे, बस यही खाऊंगी। और अगर ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि शाम तक की फ्लाइट है, तो ओट्स खा लूँगी, तो बस ये मैं करने जा रही हूँ पैक। ये स्वीटनर में निकाल दूँगी, बिकॉज अब स्वीटनर मैं बिल्कुल भी खाती ही नहीं हूँ स्वीटनर, तो सिर्फ मैं सैलेड और ये रख रही हूँ। चाय अगर मैं पीती हूँ फ्लाइट पे, तो मैं बिना शक्कर की पीती हूँ, इससे तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है यार। तो ये दोनों चीज़ मैंने पैक कर ली है, मैं बैग सिर्फ एक ये सिंगल वाला लेके जा रही हूँ। बस निकलते हैं गाइस। बोलो कुछ, तुम्हारी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मुस्कान आंटी का, आंटी पोता है ना आपका, पोता है तो वो आ रखा है आज साथ में। बात मेरे से बात नहीं कर रहा, सबसे बात कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा। प्रिंसी भी आ गई है और बस मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। मैं नहा चुकी हूँ, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, बिकॉज पूरा दिन निकल गया है फ्लाइट में। दो छोटे छोटे सेक्टर होते हैं काठमांडू बैग, पर पूरा दिन निकल जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ और स्किन केयर कर लिया है, अब लग रही है भूख, क्योंकि सुबह से सिर्फ फ्रूट्स पे हूँ मैं। फ्रूट्स और सैलड लेके गई थी साथ में, ग्रीन सैलड, तो मैंने वही खाया। इनफैक्ट मैंने पूरे फ्रूट्स भी नहीं खाए हैं, तो मैं अनार जो है वो अनार भी खा लूंगी साथ में, और आलू बैगन की सब्जी रखी, आलू बैगन की सब्जी और 2 रोटी खा लूंगी, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। साथ में कुछ देख लूंगी। तो गाइस मैं बाहर आ गई हूँ वॉक करने के लिए, वॉक कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैंने ना शूज़ वगैरह सब पहन लिए थे, मैंने सोचा मैं बाहर जाऊँगी वॉक करने, फिर देखा टाइम, तो टाइम हो रहा था 9:15, फिर मुझे लगा रात हो गई यार, अब कहाँ वॉक करने जाऊँ, और अंधेरा भी हो गया था, तो मैंने सोचा कॉरिडोर में ही वॉक कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और नाइट सूट चेंज करके मैंने कपड़े चेंज कर लिए। वॉक कर लो ना आप, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो मैंने सोचा वॉक कर लेती हूँ थोड़ी देर, और फिर कल 4 सेक्टर ऑपरेट करने हैं यार, तो उसके लिए अच्छे से रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार मेरा ना चार्जर ऑफिस में छूट गया था कल,
और उसके बाद मेरी फ्लाइट आज लगी थी T3 से, पर जो मेरा चार्जर है वो T2 पे रखा हुआ है और मेरा चार्जर कल छूट गया। उसके बाद मैंने उनको बोला भी कि अगर आप ओवरनाइट कुछ और डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो तो मेरा चार्जर भी वहाँ पे भेज देना, मैं T3 से कलेक्ट कर लूंगी। बट उन्होंने भेजा नहीं। अब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ बिना चार्जर के, मेरे पास चार्जर नहीं है। और फिर मैं अभी बैटरी देख रही थी, मेरे को ऑल ओवर सडन ध्यान आया अरे चार्जर तो है नहीं रात के लिए। तो अब मैंने स्विगी पे भी देखा, ब्लिंकिट पे भी देखा, बट स्टोर्स कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आ रहा था सी टाइप का चार्जर, पर स्टोर्स अभी कोई भी नहीं है जो मतलब अभी भी अभी वर्क कर रहा हो। तो क्योंकि मम्मी का फ़ोन पुराना वाला जो था वो एंड्रॉयड ही था, तो उनसे मैं देख रही हूँ, पूछ रही हूँ कि उनके पास पुराने फ़ोन का चार्जर पड़ा हो, तो मैं उसी के स्ट्रगल में लगी हूँ। क्योंकि मुझे एकदम से याद आया, मैं बाहर वॉक करते करते मैं सोच रही, मैंने कहा अरे फ़ोन की बैटरी इतनी कम कैसे हो गई है, फिर देखा अरे यार चार्जर का तो भूल ही गई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आते वक्त ना वो चार्जर को ऑर्डर कर दूंगी और घर आ जाएगा। फिर जब मैं घर आई उसके बाद मैं फिर भूल ही गई चार्जर ऑर्डर करना। चार्जर रखा होगा तो उनका चार्जर यूज़ कर लूंगी जब तक मैं T2 से लेकर आऊँ, क्योंकि कल भी जो मेरी फ्लाइट है, कल मेरे 4 सेक्टर करने हैं मुझे, 4 सेक्टर। तो कल जो मेरी फ्लाइट है वो T1 से है, T2 से नहीं है फिर से। तो फिर अभी मैं देखती हूँ चार्जर का करती हूँ, क्योंकि चार्जर के बिना तो जिंदगी, क्योंकि कल ड्राइवर सर भी कॉल करेंगे, मैसेज आता है, ऑफिस का भी देखना पड़ता है। तो चार्जर ऐसा तो है नहीं कि मुझे रील्स देखनी है, पर चार्जर मुझे ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही नंबर मेरा अपडेटेड है और यही नंबर पे सब कुछ आता है। पुराने फ़ोन का चार्जर मुझे मिल गया है, थैंक गॉड मिल गया है मुझे। कभी कभी ना वो पुरानी चीज़ें ना आपके काम आ जाती हैं, तो वो वाला चार्जर मैं यूज़ कर लूँगी। एक टेंशन थी मेरे दिमाग में, वो हट गई है। बस यार अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ देखते देखते सो जाऊँ, और अभी भी मैंने डिफ्यूज़र ऑन किया है रूम में, तो मैं सोचू कुछ देख देख के सो जाऊं। बिकॉज आज भी मैंने आपको बताया ना सुबह, पता नहीं क्या ये बातें बातें करते थे तेज तेज की, उसके बाद मेरी नींद खुल गई, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। 6:30 बजे से मैं सुन रही थी, क्योंकि मुझे जाना था फ्लाइट में, मुझे पता था कि पूरा दिन लग जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, तो फिर मैं जल्दी उठ गई थी आज। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जल्दी सो जाती हूँ, कल मेरी रिपोर्टिंग 12:30 बजे की रिपोर्टिंग है कल मेरी, तो और करने भी 4 सेक्टर है। तो मैं सोच रही हूँ कि सो जाती हूँ अब, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी गाइज, वो या तो व्लॉग होगा या फिर Q&A भी आ सकता है, क्योंकि मुझे ना Q&A बनाना है। मुझे पता है मुझे ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, उनके आंसर्स देने हैं जो मैं कमेंट में नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि वो ना काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं कमेंट में देने से अच्छा मैं सोच रही हूँ कि आपको पूरा अच्छे से आंसर कर दूँ। और तो एक Q&A वीडियो भी शूट करनी है, मैं बीच में शूट करूंगी और बहुत जल्दी डाल दूंगी उसको। फ़ोन के साथ गाइज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, और पूरी यूज़ हो गई है मेरी फ़ोन की जो स्टोरेज है, तो मैं फ़ोन के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताओ क्या कैमरा ले लूँ नया, या फिर देखो जो मुझे कैमरा पसंद है इट इज़ फॉर 45,000 रुपीज़, और या फिर मैं सोचूँ कि कोई एक आईफोन ले लूँ, और ये मेरा फ़ोन भी फ्री हो जाएगा उस चक्कर में, क्योंकि अभी तो मेरा सारा काम इसी फ़ोन से हो रहा है। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ, कैमरा ले लूँ या फिर फ़ोन ले लूँ व्लॉगिंग के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज आपको पता नहीं है कि मुझे एक वीडियो डालने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियोस डिलीट करनी पड़ रही हैं, फोटोज़ डिलीट करनी पड़ रही हैं, उसके बाद मैं वीडियो डाल पा रही हूँ। तो आप मुझे बताओ, पता है मेरा ना इतना मन नहीं कर रहा है स्पेंड करने का, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है ना यार पता नहीं क्या होगा आगे, मैं कैमरा ले लूँ और कैमरा आगे जाके मेरे काम ना आए, क्या पता वीडियोज़ पसंद ना आए तो बस कैमरा का करूँगी क्या। तो क्योंकि हम लोग तो फ़ोन ही यूज़ करते हैं ना, तो आप मुझे बताओ कि मैं आईफोन ले लूँ या फिर मैं कैमरा ले लूँ, आप बताओ मुझे। वैसे तो मैं सच बताऊँ, मैं टू बी ऑनेस्ट ना मेरे तो दिल में जो आता है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो मैंने ऐसा सोचा है कि जब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अभी तो यार व्यू भी मेरे कम ही है, पता है अभी कितने मेरे व्यू है, 2,000 व्यू हैं, 2,000 व्यू आवर्स मुझे और चाहिए, उसके बाद कुछ बात बनेगी। तो मैंने सोचा था कि जब 1,000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अपने लिए कैमरा ले लूंगी या एक फ़ोन ले लूंगी, जिससे मेरे लिए इजी भी हो जाएगा। और ऑब्वियसली आईफोन की जो फ्रंट कैमरे की जो क्वालिटी है इट इज़ बेटर देन एंड्रॉयड। तो मैं वीडियो बना रही थी और मेरे एक दोस्त का फोन आया, तो मैंने बोला यार मैं ना वीडियो बना रही हूँ, मैं 2 मिनट में तुझे कॉल बैक करती हूँ, ठीक है। तो कह रहे नहीं 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 मेरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा, ठीक है। तो मुझे कहता यार मेरी ना टायर की हवा निकल गई है। मैंने बोला तो मैं क्या करूँ, तू कहाँ रहता है, मैं यहाँ पे बैठ के तेरा क्या क्या हेल्प कर दूंगी मैं तेरी, मैं कुछ वीडियो रुकवा दी बीच में। तो
यही बकवास करते रहते हैं मेरे दोस्त, ऐसे ही है सारे। अच्छा, मेरे जितने भी दोस्त है ना, उनको ऐसा लगता है ना मैं वेली हूँ। फिर वो बोलता है कि उनको ना अपना काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे काम से। तो वैसे बोलते हैं, नहीं नहीं तो रुक, पहले मेरी बात सुन। अच्छा ठीक है, बताओ। फिर मुझे लगता है यार कुछ अर्जेंट है, तभी ऐसे बोल रहे हैं। जब मैं बात सुनती हूँ ना कि यार मेरे ना टायर में ना हवा खड़े खड़े निकल गई, पता नहीं कैसे निकल गई उसकी गाड़ी की हवा। तो यही मेरे से रोना रो रहा था, तो मैं खड़े खड़े उसकी बात सुन रही थी। फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा बैठ जाती हूँ, उसकी बात आराम से बैठ के सुनती हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी यार, मैं भूल ही गई। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने सोचा था कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए ना, तो मैं अपने लिए कैमरा ले लूंगी। इट्स लाइक एन एक्शन कैमरा, और वो ना मुझे काफी पसंद आया था। तो मैंने सोचा जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे ना, तो वो मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगी। पर अभी तक तो हुए ही है गाइज, तो देखते हैं कब होंगे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे, और फिर मैं देखती हूँ। आप जरूर मुझे बताना कि मैं फोन लूँ या मैं कैमरा ले लूँ। कैमरे का पता है मुझे क्या दिक्कत लग रही है, कैमरे की मुझे ये दिक्कत लग रही है कि यार उसकी ना बैटरी बार बार चार्ज करनी पड़ेगी, तो और उसको समझना भी पड़ेगा स्टार्टिंग में कैसे यूज करना है क्या नहीं करना। बट उसकी जो कैमरा क्वालिटी होगी ना, वो बहुत अमेजिंग होगी, इसलिए मेरा बहुत मन है कि मैं कैमरा ले लूँ। पर आप मुझे बताना कि ज़्यादा हैंडी क्या आईफोन रहेगा या फिर मैं कैमरा ले लूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ गाइज, और बहुत जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बताना मत भूलना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स के मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं उसको Q&A शूट करूंगी और उसी में आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे सारे। और आज भी बस किसी का मैं कमेंट पढ़ रही थी, उसका एक लड़की का मेरे पास कमेंट आ रखा है कि आई वांट टू टॉक टू यू। तो मैंने उनको ये रिप्लाई कर दिया था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे ना अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। इससे मुझे ना पता भी रहता है कि ठीक है, जो सामने वाला बंदा है वो फेक नहीं है। तो गाइज बस यही है, मैं जा रही हूँ कुछ टीवी में देखने और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो और वीडियो पूरी देखा करो, जिससे मेरे व्यू भी बढ़े और वॉच आवर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय। और वीडियो के यहाँ तक पहुंचने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।